हेलो दोस्तों, मैं हूँ विम्पल और मैं हूँ कविता। हाय, आप सबने हमारा वीडियो पसंद किया, उसके लिए थैंक यू सो मच। और आपके इतने अच्छे अच्छे रिव्यू देखकर हमको ऐसा लगा कि आज आपको ऑफलाइन से थोड़ा दूर लेके चलेंगे, जो कि हम जा रहे हैं हॉबिटन, जो कि ऑकलैंड से 180 किलोमीटर दूर है। और हम भी पहली बार जा रहे हैं, बहुत दिनों से सोच रहे थे कि हॉबिटन जाएंगे, लेकिन वेदर कुछ इतना अच्छा नहीं था। तो आज थोड़ा वेदर भी अच्छा है और स्पेशल आप सबके लिए हम लोग जा रहे हैं हॉबिटन। तो फिर चलते हैं, बाय। अभी ये सेट देखने जा रहे हैं, वो फर्स्ट टाइम 1999 में बना था लॉर्ड ऑफ द रिंग मूवी के लिए। बाद में 2011 में वापस से बना और इसको बनने में 2 साल लगे थे। तो चलो देखते हैं कैसा है। ये देखो कितना बड़ा कद्दू है, ये ओरिजिनल नहीं है, ये वाला उन्होंने बनाया है, लेकिन ये सब सेट मूवी में यूज हुआ था। ये सब फ्रूट और चीज, ये सब डुप्लीकेट बनाया है इन्होंने, लेकिन कितना प्यारा बनाया है ना ये सब, कितना छोटा छोटा। और इसका, इसके गेट का साइज भी मेरे जितना है। देखो ये मुर्गी पकड़ने वाला केज है। हॉबिट्स के छोटे छोटे खेत, इतने इतने। वो इधर हॉबिट्स हनी बनाते थे और यहाँ पे सब पूरा हनी का सेटअप किया। ये तो एकदम ओरिजिनल लग रहा है। अगर आपको हनी लेना है तो इधर से ले सकते हैं। देखो कविता ने लकड़ियाँ काट काट के पूरा ढेर बना दिया और ये सब भी मैंने ही काटा है। ये पूरा सेटअप ओरिजिनल दिखे इसलिए उन्होंने ये इधर कपड़े भी लगाए हैं और कई कई घरों की चीजों से धुआं भी निकल रहा है।
ये सारी ब्रेड मैंने बनाई है। नहीं नहीं, ये ओरिजिनल नहीं है, ये सब आर्टिफिशियल है, लेकिन एकदम ओरिजिनल ब्रेड लग रही है। तो अभी हम आपको लेकर चलेंगे हॉबिट हॉल में, देखते हैं अंदर क्या है। ये घर में हम अंदर जाएंगे और देखेंगे। अंदर से बहुत बढ़िया है। वाला हॉबिटन टाउन का सबसे बढ़िया वाला घर है, और ये उसके ऊपर जो आप ट्री देख रहे हो वो वाला ओरिजिनल नहीं है, ये पूरा ट्री आर्टिफिशियल है, उसके सारे पत्ते भी आर्टिफिशियल है। इधर घर बनाएंगे? हाँ, मैं तो इधर बनाऊंगी। ये देखो, ये यहाँ भी पार्ले जी निकाल रही है। ऑब्वियसली जी माने जीनियस, और आई एम जीनियस। अब कविता मैडम ये घर में जाके पार्ले जी खाएगी। कोई है अंदर? देखो यहाँ पे कितने सारे हॉबिट हॉल है, और सब अकॉर्डिंग टू हाइट है। हम लोग जो अंदर गए थे वो 90 नंबर का था, और सब छोटे बड़े छोटे बड़े। एग्स, एग्स आर आल्सो आर्टिफिशियल। या एग्स को हाथ लगा दिया। नॉन वेजिटेरियन? नो, वेजिटेरियन। ये वाला जो गेट है वो मुझे इंडिया के खेत की याद दिलाता है। हमारे इंडिया में भी ऐसे ही गेट होते हैं ना। एक बार बंद करके तो देख। इंडिया में बहुत करते थे भाई। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई कारपेंटर का घर है। है ना, सब ओरिजिनल रखा है। ये जो धुआं निकल रहा है ना वो ओरिजिनल धुआं है, और ऐसी स्मेल भी आ रही है कि कोई खाना पका रहा है। जैसे हम इधर आए ना तो ऐसा ओरिजिनल लगता है कि इधर रियली में कोई रहता था। और ये वाला जो ट्री है वो पार्टी ट्री है, तो हॉबिट मूवी में दिखाते हैं कि सब यहाँ पे पार्टी सेलिब्रेट करते हैं। और वो वाला जो देख रहे हो वो कैफेटेरिया है, हम लोग अभी उधर ही जाएंगे। ये वाला पूरा लोहार का सेटअप बनाया है। चलो अभी खाना खाने जाएंगे भाई, पार्ले जी से तो मेरा पेट नहीं भरा है।
देखो ये हमारी होबिट तैयार हो रही है। ये देखो हमारी होबिटन भाई। क्या चाहिए सर आपको? फ्रूट्स, केक्स, जूस भी है। होबिटन भाई कितनी क्यूट लग रही है। कुछ भी नहीं चाहिए, जा जा बर्तन धो के आ। दो दिन के बर्तन पड़े हैं। जानू लगा यहाँ पे। तो तुझे यहाँ होबिटन आके कैसा लगा? बहुत अच्छा यार, इतना मैजिकल लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि इधर ही रह जाऊं। बहुत अच्छा है यार। सबसे फेवरेट तो वो ट्री था यार, इतना अच्छा था। जैसे हम लोग इतने नजदीक गए ना, तो भी हमको पता नहीं चला कि ये आर्टिफिशियल है। इसकी सब ब्रांचेस और लीव्स इतने अच्छे बनाए हैं। माय गॉड, बहुत अच्छा है। और होगा ही ना, क्योंकि ये जो हॉबिट मूवी का जब शूट हुआ था, तब उसके डायरेक्टर पीटर जैक्सन ने सिर्फ कुछ ही सेकंड के शॉट के लिए पूरा प्लम ट्री लगाया था। बताओ। वी होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और आज का हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना, और आज तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर देना। और ये टोटली फ्री है। और आपको हमारा वीडियो कैसा लगा है ये कमेंट सेक्शन में बता देना। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय। Thank you.